क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है एक सूखे हुए फूल से आप इतने सारे मैरीगोल्ड के फ्लावर ला सकते हैं? आपने अक्सर अपने बड़ों से या फिर मुझसे ऐसा ही सुना है ना कि एक सूखा फ्लावर लीजिए और उसको मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए, हल्की सी गुदाई करिए और आपका मैरीगोल्ड का प्लांट रेडी हो जाएगा, ग्रो होने लग जाएगा। बट आप में से कुछ लोगों का मैरीगोल्ड का प्लांट ग्रो नहीं होता है, उसका रीज़न मैं अब बताने वाला हूँ। ट्रेडिशनल तरीका बिल्कुल सही है, आपको फ्लावर को तोड़ना है और उसको मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल करना है और बस पानी डालिए और वो ग्रो होने के लिए रेडी है। बट यहाँ पर आपको एक मैच्योरिटी लेवल चेक करना होगा आपके फ्लावर का। इस ऑरेंज कलर के फ्लावर को देखें, इसमें बिल्कुल भी दोस्तों सीड के अंदर गर नहीं है। गर मतलब एक हल्का सा फुला होता है जो सीड्स ग्रो करने में मदद करता है, वो नहीं है। अब इस रेड कलर के फ्लावर के अंदर आप देखें, इसको हमने जैसे ही तोड़ा, इसके सीड्स काफ़ी ज़्यादा भरे भरे से हैं। इसका मतलब ये बहुत सारे मैरीगोल्ड देने वाले हैं। मैरीगोल्ड के फ्लावर को कुछ दिनों तक उस प्लांट पर ही रहने दीजिए, उसके बाद वो आपको फिर से मैरीगोल्ड दे सकता है। अगर सॉइल की बात करी जाए तो मैरीगोल्ड को नॉर्मल गार्डन सॉइल में ईजिली ग्रो कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेज में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाद में आप इसमें थोड़ा बहुत वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद मिला सकते हैं। मैरीगोल्ड को सही तरीके से ग्रो करने का तरीका आप देख लें, पहले आपको मिट्टी बिछानी है, उसके बाद आपको मिट्टी को अच्छे से गीला करना है क्योंकि हम इसके ऊपर सीड्स डालने वाले हैं और सीड्स बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलने नहीं चाहिए। अच्छी क्वालिटी के सीड्स आपको सेलेक्ट करने हैं, पहले ही मैंने आपको बता दिया है सीड्स के अंदर गर होना चाहिए तभी वो ग्रो होंगे और ये सीड्स काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहे हैं और फ्रेश भी है, मतलब लेटेस्ट ही हार्वेस्ट करे हुए हैं। मार्केट में गुड क्वालिटी सीड 30 से 60 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएंगे और अगर आप फ्लावर से हार्वेस्ट करते हैं तो फ्री में मिल जाएगा। बस आप सीड्स लीजिए और उनको स्प्रिंकल कर दीजिए किसी भी पॉट के ऊपर। हमने तो ये रेड फ्लावर हार्वेस्ट करें तो हमारे पास तो ये फ्लावर फ्री में आ गया, बट ये सिंगल फ्लावर की कॉस्ट नियरली 60 रुपीज़ के आसपास है, तो ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम आप हार्वेस्ट जरूर कर लेना। अब यहाँ पर आपने सीड डाले हैं तो बस हल्का सा सॉइल की फिर से गुदाई कर लें ताकि सीड्स सॉइल के अंदर दब जाए, या फिर आप ऊपर से एक्स्ट्रा सॉइल मिलाकर वाटर डालकर इनको ग्रो होने के लिए छोड़ दीजिए। आफ्टर 7 डेज यहाँ पर आपको छोटे छोटे पौधे नजर आने लग जाएंगे और यहाँ पर ये सारे के सारे ग्रो होने वाले हैं दोस्तों। नियरली 11 डेज के बाद मैरीगोल्ड ट्रू लीफ प्रोड्यूस करने लग जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब ये प्लांट रेडी है ट्रांसप्लांटेशन के लिए, तो आप स्मॉल स्मॉल पॉट में इनको ट्रांसप्लांट कर दीजिए और फिर देखिए इनका कमाल। एक पॉट के अंदर आप 3 प्लांट इजीली ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, शर्त यह है कि पॉट 15 इंच से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। अगर 10 इंच का है तो उसमें एक प्लांट लगाइए, 12 इंच का है तो उसमें आप 2 मैरीगोल्ड के प्लांट इजीली लगा सकते हैं और सॉइल बहुत गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको टूल की मदद से स्मॉल होल करना है और ध्यान रखना जब भी आप प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं मैरीगोल्ड के, तो कुछ दिनों के लिए उसको शेड में रखना और फिर उसको फुल सनलाइट में रख देना। मैरीगोल्ड उस प्लांट की वैरायटी है जहाँ पर आप उसके सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करेंगे तो मैरीगोल्ड इजीली मरेगा नहीं और वो और जल्दी ग्रो होगा और ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। सॉइल के अंदर आप मॉइस्चर मेंटेन करके रखना कुछ दिनों के लिए, इससे मैरीगोल्ड अच्छे से ग्रो होंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ प्लांट्स रहने दिए साथ में क्योंकि गुच्छों में जब ये फ्लावर देंगे और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। हालांकि इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं, उसमें रेगुलर बेसिस पर फर्टिलाइज़र डालूंगा और हमारे प्लांट की हाइट नियरली 10 से 12 इंचेस के आसपास की हो चुकी है। चलिए मैरीगोल्ड की सैर कराता हूँ। अरे एकदम हाइट कैसे बढ़ गई इनकी, काफ़ी दिन हो चुके हैं दोस्तों हमारे मैरीगोल्ड बड़े हो चुके हैं। अब ये दोस्तों रेडी है फ्लावरिंग के लिए, तो यहाँ पर आपको न्यूट्रिशन की कमी नहीं रखनी है। आपको कैसे पता चलेगा ये फ्लावरिंग के लिए रेडी है? इनके ऊपर वाली लीफ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने लग जाएगी और प्लांट की नीचे वाली लीफ डैमेज होने लग जाएगी। अब दोस्तों आपका सवाल, क्या मंदिर में से उतरी हुई माला को हम ग्रो कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली आप ग्रो कर सकते हैं। शर्त यह है फ्लावर एकदम मैच्योर होना चाहिए और हाँ ड्राई होना चाहिए, मतलब आपको फ्लावर को ड्राई करके ही ग्रो करना है। तो आप एक माला लीजिए, उसको कट करिए, उसको कुछ दिन के लिए ड्राई होने दीजिए और बस उसको पॉट के ऊपर आपको स्प्रिंकल करना है कुछ इस तरीके से। माला के अंदर सारे फ्लावर मैच्योर नहीं होते हैं, इसलिए दोस्तों आपका रिजल्ट 50% रहेगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, 50% भी आपका फ्री में ही आ रहा है। तो माला के अंदर जितने भी मैरीगोल्ड के फ्लावर है सारे के सारे आप स्प्रिंकल कर दीजिए अपने पॉट के ऊपर।
अब यहाँ पर फ्लावर ड्राई होने के बाद हवा से ना उड़ जाए, इसलिए आप सॉइल की हल्की सी शफलिंग कर दें, इससे सीड सॉइल के अंदर दब जाएगा और बस पानी डालिए और रेडी टू ग्रो है। सात से आठ दिनों में ही आप देखेंगे छोटे छोटे नन्हे नन्हे मैरीगोल्ड के प्लांट बाहर आ चुके हैं। एक समय आता है जब मैरीगोल्ड का प्लांट ऑटोमेटिक मर जाता है, तो वहाँ से उसके फ्लावर कलेक्ट करना स्टार्ट कर देना। और यहाँ पर अगर आप एक ही सिंगल पॉट में बहुत सारे मैरीगोल्ड ग्रो करना चाहते हैं तो यहाँ पर फर्टिलाइज़र मेंटेन करके रखना, बाकी सारा काम आपका नेचर कर देगी। किसी भी प्लांट का लाइफ स्पैन अगर छोटा हो तो उसके ऊपर जनरली इंसेक्ट अटैक नहीं होता है, बट यहाँ पर अगर आपके कुछ लग रहा है तो वो हिसाब कट करके फेंक दीजिए, बट जनरली मैरीगोल्ड के ऊपर कोई भी इंसेक्ट अटैक या फिर कोई भी हार्मफुल इंसेक्ट नहीं अटैक करता है। आप यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, NPK और DAP इसमें सबसे बेस्ट रहते हैं, और जैसे ही आपका फ्लावर आने लग जाए तो आप इनका हल्का फुल्का स्प्रिंकल या फिर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे मैरीगोल्ड दोस्तों फ्लावरिंग पर आ गए हैं और बहुत सारी कलियाँ देने लग गए हैं। मुझे पर्सनली दोस्तों रेड वाले ज़्यादा पसंद आए क्योंकि ये गार्डन के अंदर एक रेड कलर ऐड करते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। येलो वाला भी लंबे समय तक रहता है, बट रेड वाला एक अलग ही कॉन्ट्रास्ट देता है आपके गार्डन के अंदर। ओल्ड फ्लावर को टाइम टू टाइम आप रिमूव करते रहिए और उसके बाद आप देखना आपका मैरीगोल्ड कितना ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस करने लग गया है, और ये उसका एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो होप दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, तो डेफिनेटली आप भी मैरीगोल्ड के फ्लावर्स जरूर ग्रो करना, जरूर हार्वेस्ट करके रखना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर आपके मैरीगोल्ड के प्लांट के फोटोज़ ज़रूर शेयर करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैरीगोल्ड को अगर सीड से ग्रो करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग वैरायटी नज़र आती है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंगल पेटल है, मल्टी पेटल है, ऑरेंज कलर आ जाता है, येलो कलर आ जाता है, बहुत सारा। ये रेड कलर भी दोस्तों बाय चांस ही मुझे मिला था और आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। अगर आप नर्सरी से परचेज करके लाते हैं तो 30 रुपीज़ का एक प्लांट आपको मिलेगा, और अगर आप सेल्फ ग्रोन करते हैं तो आपको 30 रुपीज़ में 50 प्लांट मिल जाएंगे। सीड से दोस्तों हम एक येलो कलर का सिमिलर फ्लावर सनफ्लावर भी ग्रो कर सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत होता है इसका फ्लावर भी।